बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रुबीना स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आल का बटन दबाए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है चिकन की। सब्ज़ मिर्च से बनाना सिखाऊंगी और हल्की सी काली मिर्च से लाइट सा आपको चिकन बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि तेज़ मसालों वाला तो हम खाते ही रहते हैं। आज मैंने आपको बहुत सिंपल सा चिकन बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन है मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है। इसके अंदर जो जो स्पाइसेस जाएंगे मसाले, बहुत सिंपल है, घर में हमारे किचन में मौजूद होते हैं। काली मिर्च है तकरीबन 1/2 टीस्पून है, कुटा हुआ गर्म मसाला है 1/2 टीस्पून है, खुश धनिया साबत है ये भी 1/2 चम्मच है, टीस्पून के करीब है ये भी, और ज़ीरा साबत, हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत है इसमें जाएगा। जो जो बाकी चीज़ें जाएंगी सिंपल, आप जो हम डेली यूज़ करते हैं हांडी में, प्याज है तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के, ऐसे मैंने पतले पतले से स्लाइस काट लिए हैं। हरी मिर्च आज मैं डालूंगी, सब्ज़ ग्रीन चिली डालूंगी, ये देखें तकरीबन 3-4 ग्रीन चिली है। सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबी लंबी स्लाइस में काट ली हैं। 1 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टमाटर है दरमियाने साइज के। आइए चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर घी डालेंगे, घी हसबे ज़रूरत डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, जितना हमारा मटेरियल होगा उस हिसाब से हम घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम घी में हम पकाएंगे ऑयल में, तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। ये घी है मेरे पास, आप लोग जो भी डालते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, चिकन हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा मैं नमक डाल दूंगी ऊपर चिकन के, ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। अब इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब चिकन हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने मोटा मोटा सा पीस कूटा हुआ है, इसको पीसा है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया। जाएगा प्याज इसके अंदर, इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे इसको फ्राई हल्का सा करके, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस अब चिकन भी इसके साथ फ्राई हो रहा है, तो मैं टमाटर डाल दूंगी प्याज के साथ। 2-3 मिनट इसको फ्राई किया प्याज को और लहसुन अदरक को। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बाकी इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे जो स्पाइसेस है। बहुत जल्दी बनने वाला सालन है, मेहमान अचानक घर में आ जाए तो आप लोग इस तरह जल्दी से बना के खिला सकते हैं। डिश सोया सॉस जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, चिली सॉस जाएगी ये भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब, हल्का सा हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो दही डाल दें। बस इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए दम पे रखा था, माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था दम पे, क्योंकि टमाटर जो डाले थे उसका पानी भी खुश्क हो रहा था और चिकन अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है इसकी, मैंने कर दी है, गल चुका है ये देखें माशाल्लाह। अगर घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए, अगर दावत रखें आप घर में कोई पार्टी वगैरह है, तो आप ज़रूर ये चिकन की रेसिपी बनाए, बहुत मज़े की बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए अब माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर पानी हमने ग्रेवी वगैरह नहीं बनानी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बस आज मैंने आपको ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर से सालन बनाना सिखाया, सिंपल तरीके से चिकन का सालन। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।